आज एक जॉइंट व्हीकल चेकिंग पे टास्क फोर्स और मिड चौक पुलिस का व्हीकल चेकिंग पे सुबह 11 बजे के अराउंड एक ऑल्टो व्हीकल पे एक सस्पिशियस मूवमेंट मिला। तो नागर वहाँ पे उन बंदे को रोक के पूछा तो नागार्जुना बोल के उनका नाम पता चला। उनके पास 10 सेट्स फेक सर्टिफिकेट्स मिला था। तो हम लोग क्वेश्चन किया क्योंकि तो एक बंदे के पास 10 सर्टिफिकेट मिलना मामूली बात नहीं था। तो जब क्वेश्चन किया था तब पता चला ये बंदा नेटिव गुंटूर जिले आंध्र स्टेट का थे और 2018 तकरीबन यहाँ पे आके अर्जुना अकेडमी बोल के यहाँ पे एक अकेडमी खोला जिसमें बच्चों को ओपन 10th और ओपन इंटरमीडिएट का कोचिंग दे देते हैं। 2019 के बाद एक ज्योति रेड्डी बोल के एक और औरत थी जो गुंटूर से, उनसे मिलके एक फेक सर्टिफिकेट्स बनाने का एक प्लान बनाया था। उसके लिए उन लोग को कस्टमर्स को सप्लाई कर नरेश बोल के एक बंदा था, उन्होंने भी साथ दिया। तो इन लोग कुछ डेटा मंगा के लोगों से, जो जो कस्टमर्स से, जो जो जिस जिसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उनसे एक टेलीकॉलर के रूप में बात करके, उनसे बात करके फेक सर्टिफिकेट्स चाहिए क्या पूछ के उन लोगों को फेक सर्टिफिकेट अप्लाई करना शुरू किया था 2019 से। फेक सर्टिफिकेट बनाने के लिए इन लोग ने अरविंद कोलकाता से और चिन्मय बिश्वास दिल्ली का हेल्प लिया था, जो इनको पैसे लेके फेक सर्टिफिकेट देते थे। और ये लोग या लोकल जो बच्चे हैं जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उन लोग को पकड़ के उनसे पैसे लेके ये फेक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये तकरीबन 22 यूनिवर्सिटीज़ का, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट्स इन लोग अभी तक प्रोवाइड किए थे। और अभी जो रिकवरी पे हम लोग उनसे 467 सर्टिफिकेट्स जो 75 सेट्स पे है और 2 लैपटॉप्स, कीबोर्ड्स, सिम कार्ड्स, 8 सिम कार्ड्स, 5 सेलफोन्स और स्टूडेंट्स का जो ओपन एग्जाम्स लिख रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं, उनका डेटा 1000 पेपर भर के डेटा था। माने कितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास है वो से देख सोच सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ब्रोशर्स, मारुति कार 12,000 का कैश और कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो पैसा इससे कमाए हो, प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए 40 लाख का, 42 लाख का वर्थ एक प्लॉट खरीदने का कोशिश किया था, उसका भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग रिकवरी किया था। हम लोग अपना मीडिया दोस्तों के द्वारा सभी लोग को एक अपील कर रहे हैं कि कोई भी ये फेक सर्टिफिकेट, कोई भी ये सर्टिफिकेट देने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए। क्योंकि आप फेक सर्टिफिकेट इन लोग को लेते हैं, जो भी फेक सर्टिफिकेट लेने के लिए सोच रहे हैं, उन लोग भी एक क्राइम पे पार्ट होगा। और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का एंकरेज बिल्कुल नहीं करना है। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए। ये पूरा जो ऑपरेशन है, एडिशनल DCP टास्क फोर्स साउथ जोन नरसिम्हा राव के निगरानी पे हुआ था। इसमें अजय कुमार इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साउथ जोन और इंस्पेक्टर मिर्चौक आनंद बीजे और इसके साथ साथ SIs आंजनेयलू, नरसिम्हलू, नवीन और साउथ जोन टास्क फोर्स का स्टाफ थे और मिर्चौक पुलिस का स्टाफ थे। सभी लोगों को हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से बधाई बात देता हूँ क्योंकि इतना मेहनत करके बड़ा रैकेट पकड़ा। और इसमें और बाकी जो भी इन्वॉल्व है उन लोगों को सभी लोग लेके आने पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी को ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे और उनके ऊपर जो लॉ के हिसाब से एक्शन लेना वो सब लेंगे। थैंक यू। ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बिकॉज अभी जो जितना डेटा आया था, बहुत सारे डेटा आया था हम लोग अभी आपको जैसे बोल रहा हूँ, इनके पास स्टूडेंट का डेटा आया 1000 पेपर भर के, माने 1000 पेपर्स का स्टूडेंट्स का डेटा है। तो इतना स्टूडेंट्स को हम लोग कहा, किस किस से बात किया, किस किस से पैसा लिया, हम सब भी चेक कर रहे हैं, उनका अकाउंट स्टेटमेंट ले रहे हैं ताकि कहाँ से पैसा गया, कहाँ से पैसा दे रहे हैं, सभी का डेटा लेके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको हम, और जितने भी इन लोगों को इन्वॉल्व थे सभी को पकड़ लेंगे। एक बोलेगा तो समझ में आते। दो इन लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिला, जो जो 10th फेल हो गया या जो 10th ओपन एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओपन 10th के लिए, ओपन इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन लोग का ये डेटा इन लोग कलेक्ट करके एक टेलीकॉलर कर फॉर्म पे टेलीकॉलर एक रूम सेटअप करके सभी लोगों को कॉल कर रहे हैं। कॉल करके इन लोग को ज़रूरत है क्या नहीं है पूछ के उन लोग को ट्रैप कर रहे हैं।
रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से नहीं हो रहे, अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट अलग है। जो ये स्कैम है, एक दो तीन लोग मिल के डेटा लेके, क्योंकि तो जो भी स्टूडेंट है जो टेंथ पास नहीं हो पा रहे, जो छोटा छोटा नौकरी करना है, उन लोग के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और कुछ कोई भी रीज़न से नहीं पास कर पा रहे, उन लोग को जो ईजी टारगेट से उन लोग आइडेंटिफाई करके उनसे पैसा लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है हम लोग को, जो भी जितने भी अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से सबको हम लोग ऑन रिकॉर्ड लेके आना है, और सभी को फिर से फिर मैं सभी को अपना मीडिया के दोस्तों के द्वारा मैं अपील कर रहे हैं, कोई भी ये फेक रजिस्ट्रेशन या फेक सर्टिफिकेट देने वाले को किसी को भरोसा मत कर लीजिए। ये क्योंकि तो वो सारी कभी ना कभी बाहर आते तो सभी लोग जेल जाना पड़ते हैं। सर वी नीड इन्वेस्टिगेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। You are from Andhra and you are from Telangana, among which three are from Orchidi. Are the three among them from this? We investigate कर रहे हैं, हम लोग पूरा डेटा वेरीफाई करेंगे। सोर्सेस के हिसाब से आप जो कि थ्री बोल के बोल रहे हैं, इसके अंदर नल्लाकुंटा का कोई रहने वाला बच्चा ही जो है वो लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें बोल के बोल रहे हैं, हम लोग के ऊपर कुछ आपके पास से नजरिया डालेगा साहब? बिल्कुल, सभी जितने भी लोग से इन लोग कॉन्टैक्ट किए हैं सभी लोग हम लोग चेक कर रहे हैं, और इनकेस हकीकत इनकेस इन लोग के पास सर्टिफिकेट है, इन लोग प्रोवाइड किया कोई भी हो, इन लोग सभी को हम लोग लॉ पे लेके आएंगे, जाना पड़ते हैं।